हेलो फ्रेंड्स, आज मैं व्रत के लिए आपको दिखाऊंगी कि अप्पे कैसे बनाए जाते हैं। अप्पे बनाने के लिए अप्पे कहो या साबूदाने के वड़े कहो, हम इधर वड़े बोलते हैं और साउथ में इनको शायद अप्पे बोलते हैं। तो इसको इसके लिए हमें चाहिए मूंगफली, आलू, साबूदाना, धनिया, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, नमक, ये सब हमें चाहिए। अब मैंने ना इसको रोस्ट करके और इसका छिलका थोड़ा उतार के मैंने रखा हुआ है। अभी भी इसमें छिलका है लेकिन मैं ऊपर से डाल लूँगी। इसको हमें ग्राइंड करना है। देखिए ये हो जाएगा हमारा ग्राइंड। तो हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमने ऐसे इसको कर लिया है। तो अब ये डाल देंगे इसमें अप्पे बनाने के लिए। ये मूंगफली डाल दी मैंने, अब मैं डालूंगी इसमें आलू। आलू मैंने पहले भी शायद अपने व्यूअर्स को बताया है, मैं किसी भी चीज़ में आलू ग्रेट करके नहीं डालती, उसमें थोड़ी सी है ना लेस सी हो जाती है। तो हम इसको इसमें मैश करेंगे। साबूदाना मेरा भिगोया हुआ है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ है, बिल्कुल मोतियों की तरह हो रखा है। तो ये मैंने डाल दिया साबूदाना। उसके बाद डालेंगे हरी मिर्ची, हरा धनिया, अगर आप कड़ी पत्ता खाते हैं तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार, सेंधा नमक है। तो इसमें थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ी सी हम डाल सकते हैं काली मिर्च, काली मिर्च ये हमने डाल के। तो इसको अब मेक कर लेना। अप्पे का या बड़े का जो मटेरियल है वो सारा हमने मैश कर लिया है, नमक डाला हुआ है। अब इसमें क्या करना है, हमने ऐसे करके गोल गोल जो है, मैंने थोड़ा सा हाथ में घी लगा लिया है तो उसमें हम गोल गोल करके रख लेंगे। देखिए अगर मेरे पास तो ये अप्पे बनाने वाला जो पैन है वो है, अगर आपके पास अप्पे बनाने वाला पैन नहीं है तो नो वरीज एट ऑल, बिकॉज आप इसको ऐसे ही बना के, तो इसको थोड़ा चपटा करके तवे में भी इसको सेक सकते हैं। वैसे तो कोई भी जो है ना बड़ा या कोई ऐसी वाली चीज़ जो है वो बनती है डीप फ्राई, लेकिन ये जो है इसको हम जैसे कि बड़े बनाते हैं सब कुछ डीप फ्राई में बनता है, लेकिन ये एक ऐसी पैन है जिसमें हम इवन कोफ्ते भी जो है वो बिना फ्राई के बना सकते हैं। अब क्या करना है, हमने इसको ना लो फ्लेम पे रखना है क्योंकि ये इतना हैवी नहीं होता, ये इसका जलने का भी खतरा होता है। आप इसको ऐसे रख देना। फ्रेंड्स ये देखो, ये हमारे अप्पे जो हैं वो तैयार हो गए हैं, हो रहे हैं, एक साइड जो है पक रही है। अब इसको दूसरे साइड में भी उल्टा दूंगी और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारा एक तरफ से ये तैयार हो गए हैं, तो हम इसको दूसरी तरफ जो है ये ना मीडियम फ्लेम पे ही ठीक बनते हैं क्योंकि आपको इसको लो पे इसको पूरा पकता नहीं है, और मीडियम फ्लेम पे
ये एकदम अच्छे वाला। देखिए कलर कितना सुंदर है। अगर आप ये चीज़ें होटल में खाना चाहो, रेस्टोरेंट में खाना चाहो, ढाबे में खाना चाहो, तो ये बहुत महंगी होती हैं। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ। ये मेरी मीडियम फ्लेम पे हो गई है, एक तरफ पक गई है, एक तरफ अब पक रही है। ये अब मेरे को लगता है कि दूसरी तरफ से भी तैयार हो गए हैं ये मेरे। इसको हम देखो पंजाब इधर नॉर्थ में तो वड़े नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे यहाँ तो अगर बनते थे तो उड़द की दाल के भल्ले बना करते थे। ये वड़े का नाम जो है ना, ये सारा साउथ से आया है। तो अब इसको मैं फ्लेम को आहिस्ता कर देती हूँ। कितना ब्राउन और सुंदर कलर है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। खाने में तो होगा ही स्वाद, देखते हैं कैसे बना है। बहुत अच्छा जो नाश्ता या कोई भी टाइप का फिलर है, ये हम इसमें बर्तन खा सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को सजेशन बॉक्स में मेरी रेसिपीज़ के बारे में भी बताइए। शुक्रिया।